हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम इंग्लिश का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक देखने जा रहे हैं, जिसे हम फिगर्स ऑफ स्पीच भी कहते हैं। अब फिगर्स ऑफ स्पीच ये टॉपिक ग्रामर में नहीं आता, फिर भी ये इंग्लिश के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ऐसा क्यों? हम जानते हैं कि हमारे इंग्लिश लैंग्वेज में पोएम एक बहुत बड़ा पार्ट प्ले करते हैं। चाहे हमारा एग्जाम्स हो, जिसमें हमें सीन अनसीन पोएम्स को फेस करना पड़ता है, उनके क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ते हैं, या फिर किसी भी लिटरेचर की पढ़ाई हो, या फिर कोई बुक पढ़ना हो, ऐसी चीज़ों को समझने के लिए हमें फिगर्स ऑफ स्पीच आना बहुत ज़रूरी है। अब ये फिगर्स ऑफ स्पीच है क्या? फिगर्स ऑफ स्पीच कुछ बहुत ही बड़ा सा लॉजिक नहीं है, बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। हम जानते हैं कि पोएम एक सॉन्ग की तरह होती है, उसे एक धुन होती है, एक ट्यून होती है, और अगर हम उस पोएम को उस तरीके से पढ़ते हैं तभी वो पोएम हमें समझ में आती है। क्योंकि कोई भी पोएम डायरेक्ट नहीं होती, किसी भी पोएम का मीनिंग डायरेक्टली एक्सप्रेस नहीं होता। किसी भी पोएम का मीनिंग डायरेक्टली एक्सप्रेस नहीं होता, पोएम्स में हिडन मीनिंग छुपे होते हैं, और अगर हमें उस पोएम का हिडन मीनिंग ढूंढ निकालना है या फिर उस पोएम को प्रॉपर तरीके से समझना है, तो हमें फिगर्स ऑफ स्पीच पता होना बहुत ज़रूरी है। वैसे तो बहुत सारे फिगर्स ऑफ स्पीच हैं, कुछ काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, कुछ काफ़ी ज़्यादा ईजी है, बट हमारे लिए या फिर हमारे लेवल ऑफ स्टडीज़ के लिए कुछ सिंपल से 10-12 फिगर्स ऑफ स्पीच समझना बहुत ज़रूरी है। बाकी के जो डिफ़िकल्ट फिगर्स ऑफ स्पीच है वो हमें तब आने चाहिए अगर हमें नॉवेलिस्ट बनना है, या राइटर बनना है, या फिर इंग्लिश लिटरेचर की डीप में स्टडी करनी है। तो हम वो डिफ़िकल्ट वाले फिगर्स ऑफ स्पीच इस वीडियो में नहीं देखेंगे, हम ऐसे कुछ 15 आसान से फिगर्स ऑफ स्पीच देखेंगे पूरे वीडियो में, जो हमें अभी हमारी पढ़ाई में लगने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आपको फिगर्स ऑफ स्पीच पढ़ाते समय दो फिगर्स ऑफ स्पीच के कंपैरिजन में पढ़ाऊंगी, ताकि आपको फिगर्स ऑफ स्पीच इजीली समझ जाए। तो चालू करते हैं। सबसे पहला कंपैरिजन, फिगर ऑफ स्पीच है सिमिली और मेटाफर। हमें फिगर ऑफ स्पीच को बराबर से प्रनाउंस करना है, प्रोनाउंसिएशन बराबर होना चाहिए, सिमिली मेटाफर। अब देखते हैं कि सिमिली क्या कहता है, मेटाफर क्या कहता है, और इन दोनों में डिफरेंस क्या है। सिमिली कहता है कि वन थिंग इज कंपेयर्ड विथ अदर थिंग। तो सिमिली कहता है कि दो चीजों का कंपैरिजन हो रहा है। सो जब भी पोएम में आप ऐसी कोई लाइन देखेंगे, ऐसा कोई स्टेटमेंट देखेंगे जिसमें दो चीजों का कंपैरिजन हो रहा है, उस फिगर ऑफ स्पीच को हम सिमिली ये कहेंगे। अब मेटाफर में भी कंपैरिजन ही होता है, पर मेटाफर में डायरेक्ट कंपैरिजन होता है। मेटाफर में दो चीजों को एक ही माना जाता है। सो सिमिली में होगा इनडायरेक्ट कंपैरिजन, मेटाफर में होगा डायरेक्ट कंपैरिजन। अब इन दोनों का डिफरेंस हमें कैसे पता चलेगा? दोनों में भी कंपैरिजन है, हमें कैसे पता चलेगा कि वो इनडायरेक्ट है या डायरेक्ट है, फिगर ऑफ स्पीच सिमिली है या मेटाफर है? बहुत ही आसान है। जहां कहीं भी सिमिली ये फिगर ऑफ स्पीच होगी, वहां पे तीन वर्ड्स प्रेजेंट रहेंगे, सो, लाइक और एज। तो ये तीनों वर्ड्स में से अगर आपको एक भी प्रेजेंट दिखता है कंपैरिजन में, तो आंख बंद करके हमें समझ जाना है कि वो फिगर ऑफ स्पीच सिमिली है। अगर कंपैरिजन हो रहा है पर इन तीनों वर्ड में से कोई वर्ड प्रेजेंट नहीं है, तो वो कंपैरिजन फिर मेटाफर फिगर ऑफ स्पीच है। एग्जाम्पल देखते, लाइफ इज लाइक अ डांस, लाइफ इज लाइक अ डांस। अब यहां पे कंपैरिजन हो रहा है,
लाइफ का कंपैरिजन कर रहे हैं हम डांस के साथ और बाय यूजिंग वर्ड लाइक, तो ये जो कंपैरिजन है इसे हम सिमिली कहेंगे। अगर ये ही ऐसा लिखा होगा कि लाइफ इज अ डांस, अब यहां पे हम सो या फिर लाइक या फिर एज ये वर्ड यूज नहीं कर रहे हैं, डायरेक्टली लाइफ और डांस इन दोनों चीजों को एक ही चीज कंसिडर किया गया है, लाइफ इज अ डांस कहा गया है, तो ऐसा जो कंपैरिजन है उसे हम मेटाफर कहेंगे। तो याद रखना है सिमिली मेटाफर दोनों में भी कंपैरिजन होगा, सिमिली में इनडायरेक्ट कंपैरिजन होगा, वर्ड्स यूज किए जाएंगे सो लाइक एज, मेटाफर में डायरेक्ट कंपैरिजन होगा, दो चीजों को एक ही कंसिडर किया जाएगा, सो लाइक एज ये वर्ड्स प्रेजेंट नहीं रहेंगे। तो ये हो गए हमारे दो बेसिक्स है फिगर ऑफ स्पीच, सिमिली एंड मेटाफर। अगले दो पैर देखते हैं फिगर ऑफ स्पीच के, अलिटरेशन रिपीटेशन, अलिटरेशन और रिपीटेशन। अलिटरेशन में किसी भी अल्फाबेट का साउंड, साउंड ऑफ एन अल्फाबेट, या फिर कोई अल्फाबेट खुद रिपीट किया जाता है टू गिव पोएटिक इफेक्ट। तो अलिटरेशन में क्या कर रहे हैं हम, किसी भी अल्फाबेट का साउंड या पूरे अल्फाबेट को हम उस लाइन में रिपीट कर रहे हैं टू गिव पोएटिक इफेक्ट। रिपीटेशन में हम पूरे वर्ड को रिपीट करते हैं। तो अलिटरेशन में सिर्फ एक अल्फाबेट या एक अल्फाबेट का साउंड रिपीट होगा, रिपीटेशन में पूरा वर्ड रिपीट होगा। जैसे कि एग्जाम्पल से देखते, ही फेल फ्लैट ऑन हिज फेस, ही फेल फ्लैट ऑन हिज फेस। अगर आप ये सेंटेंस देखोगे तो इसमें एफ तीन बार रिपीट हुआ है, फेल में, फ्लैट में और फेस में। सो ही फेल फ्लैट ऑन हिज फेस। सो अगर ऐसा कोई लाइन है तो उसे हम अलिटरेशन कहते हैं। रिपीटेशन का एग्जाम्पल देखते हैं, आई लाइट so I read it till I understood it। किसी बुक के बारे में कहा जा रहा है, I liked so I read it till I understood it। मुझे वो बुक पसंद आई इसलिए मैंने उसे तब तक पढ़ा जब तक मुझे वो समझी नहीं। अगर आप इस स्टेटमेंट में देखेंगे तो I को तीन बार रिपीट किया गया है, तो इसमें आय ये एक पूरा वर्ड है, आय ये एक पूरा वर्ड है। तो अगर इस तरह से पूरे वर्ड को रिपीट किया जा रहा है तो उसे हम रिपीटेशन कहेंगे। और एक एग्जांपल देखते हैं रिपीटेशन का, एंड हर वेज आर वेज ऑफ काइंडनेस, उसके जो तरीके हैं वो अच्छाई के तरीके हैं, ऐसा एग्जाम्पल है। एंड हर वेज आर वेज आर वेज ऑफ काइंडनेस, इसमें भी वेज ये वर्ड दो बार रिपीट किया गया है। सो ऐसा अगर कोई स्टेटमेंट है जिसमें पूरा वर्ड रिपीट किया जाता है उस फिगर ऑफ स्पीच को कहते हैं रिपीटेशन। ऐसा एक स्टेटमेंट है जिसमें एक अल्फाबेट या एक अल्फाबेट के साउंड को रिपीट किया जा रहा है उसे हम कहते हैं अलिटरेशन। अगली पेयर देखते हैं, अब तक हमने दो पेयर देखी, मतलब चार फिगर ऑफ स्पीच, सिमिली मेटाफर अलिटरेशन रिपीटेशन। अब हम देखते हैं अगली पेयर, एक्सक्लेमेशन इंटरोगेशन। अब इनके नाम ही बताते हैं कि इस फिगर ऑफ स्पीच में क्या होगा। एक्सक्लेमेशन में एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होगा,
और इंट्रोगेशन में एक क्वेश्चन पूछा गया होगा। तो अगर पोएम में हमें किसी भी लाइन में एक एक्सक्लामेटरी सेंटेंस दिखता है तो उस फिगर ऑफ स्पीच को हम एक्सक्लामेशन कहेंगे। अगर पोएम में हमें किसी भी लाइन में क्वेश्चन दिखता है तो उस फिगर ऑफ स्पीच को हम इंट्रोगेशन कहेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं। What a piece of work human is. Exclamatory sentence है कि what a piece of work human is. तो ऐसा अगर exclamatory sentence हमें poem में कहीं भी दिखता है तो वो figure of speech है, exclamation. Interrogation का example देखते हैं। What can I do? तो ये question है। ऐसा अगर कोई भी क्वेश्चन या फिर किसी भी तरह का क्वेश्चन हमें पोएम में दिखता है तो वो फिगर ऑफ स्पीच इंट्रोगेशन कहलाती है। सो इस प्रकार हमने 6 फिगर ऑफ स्पीच देखे अब तक। सिमिली, मेटाफर, अलिटरेशन, रिपीटेशन, एक्सक्लेमेशन और इंट्रोगेशन। अगली पेयर देखते हैं फिगर ऑफ स्पीच की। क्लाइमैक्स एंड एंटी क्लाइमैक्स। जैसे कि हम जानते हैं कोई भी मूवी का या पिक्चर का क्लाइमैक्स क्या होता है, उसका एंडिंग। और क्लाइमैक्स हमेशा आखिर में होता है, क्लाइमैक्स कभी भी पहले नहीं होता। तो ये जो फिगर ऑफ स्पीच है क्लाइमैक्स, इसमें चीजें असेंडिंग ऑर्डर ऑफ इम्पोर्टेंस में अरेंज की जाएगी। इसीलिए हम कहते हैं कि जो मूवी का क्लाइमैक्स है, जो मूवी का एंड है, वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। स्टार्टिंग कम इम्पॉर्टेंट, बीच में का उससे थोड़ा ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, एंडिंग सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। सो दैट इज़ असेंडिंग ऑर्डर, कम, ज़्यादा, ज़्यादा। सो दैट इज़ असेंडिंग ऑर्डर ऑफ इम्पॉर्टेंस। इसी का उल्टा होगा एंटी क्लाइमैक्स में। थिंग्स आर अरेंज्ड इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ इम्पॉर्टेंस। एग्जाम्पल से जानते हैं। बर्ड्स, एनिमल्स, मैन एंड एंजल्स वर्शिप गॉड। वो एक स्टेटमेंट में हमको दिख रहा है, बर्ड्स, एनिमल्स, मैन एंड एंजल्स वर्शिप गॉड। अब गॉड तो अल्टीमेट है, गॉड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो गॉड आएगा लास्ट में। बर्ड्स सबसे कम इंपॉर्टेंट, उससे थोड़े ज्यादा इंपॉर्टेंट एनिमल्स, उससे थोड़े ज्यादा इंपॉर्टेंट मैन, उससे थोड़े ज्यादा इंपॉर्टेंट एंजल्स, और गॉड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो ये हो गया असेंडिंग ऑर्डर ऑफ इंपॉर्टेंस। तो अगर ऐसे स्टेटमेंट्स हमें पोएम में दिखते हैं जिसमें चीजों को असेंडिंग ऑर्डर ऑफ इंपॉर्टेंस में अरेंज किया गया है, तो वैसे फिगर ऑफ स्पीच को हम क्लाइमैक्स कहते हैं। अब इसका उल्टा होता है एंटी क्लाइमैक्स में। एंजल्स, मैन एंड एनिमल्स स्टूड इन अडोरेशन। अब इसमें उल्टा हो गया। एंजल्स जो ज्यादा इंपॉर्टेंट थे वो पहले आ गए, उससे थोड़े इंपॉर्टेंट मैन, उससे थोड़े इंपॉर्टेंट एनिमल्स। सो ये हो गया डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ इंपॉर्टेंस। अगर डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ इंपॉर्टेंस हमें दिख रहा है तो दैट इज एंटी क्लाइमैक्स। अगर असेंडिंग ऑर्डर ऑफ इंपॉर्टेंस दिख रहा है तो दैट इज क्लाइमैक्स। तो अभी तक हमने 4 पेयर देख ली फिगर ऑफ स्पीच की। सिमिली, मेटाफर, अलिटरेशन, रिपीटेशन, एक्सक्लेमेशन, इंट्रोगेशन, क्लाइमैक्स, एंटी क्लाइमैक्स। अगली पेयर देखते हैं। एंटीथेसिस, पैराडॉक्स। नाम हमें बराबर से प्रोनाउंस करने हैं, एंटीथेसिस, पैराडॉक्स। अब एंटीथेसिस में क्या होता है? एंटीथेसिस में टू ऑपोजिट वर्ड्स आर अरेंज्ड इन सेम लाइन। दो अपोजिट शब्द जैसे राइट रॉन्ग, गुड बैड,
ऐसे दो अपोजिट वर्ड्स एक ही लाइन में अरेंज किए गए होंगे, उस फिगर ऑफ स्पीच को हम कहेंगे एंटीथेसिस। पैराडॉक्स में भी ऐसा ही होता है, पर ऑपोजिट वर्ड्स की जगह ऑपोजिट आइडियाज होते हैं। टू ऑपोजिट आइडियाज आर अरेंज्ड इन सेम लाइन। तो दो अपोजिट वर्ड्स के जगह दो अपोजिट आइडियाज होती है। एग्जाम्पल से देखते हैं, ही डिड राइट थिंग्स इन रॉन्ग वेज। उसने सही चीजें की पर गलत तरीकों से की। ही डिड राइट थिंग्स इन रॉन्ग वेज, तो एक ही सेंटेंस है, ही डिड राइट थिंग्स इन रॉन्ग वेज, उसमें आ गए दो ऑपोजिट वर्ड्स राइट एंड रॉन्ग। तो अगर ऐसी कोई स्टेटमेंट हमें पोएम में दिखता है कि जिसमें एक ही स्टेटमेंट में दो ऑपोजिट वर्ड्स यूज किए गए हैं, उस फिगर ऑफ स्पीच को हम कहते हैं एंटीथेसिस। दो ऑपोजिट आइडियाज देखते हैं, द किंग वॉज सिक, हिज चीक वॉज रेड। अब इसमें क्या बोला गया है, राजा तो बीमार था पर उसका जो चीक था, उसका जो गाल था, वो लाल था। सो द किंग वॉज सिक, हिज चीक वॉज रेड। अब जब भी हम बीमार पड़ते हैं, हम जानते हैं कि हमारे बॉडी का जो कलर है वो डल हो जाता है, वो कभी भी रेड नहीं दिखेगा। तो किंग तो बीमार था पर फिर भी उसका जो चीक था वो रेड था। ये हो गया दो ऑपोजिट या कॉन्ट्राडिक्टरी आइडियाज, एक दूसरे को अपोज करने वाली आइडियाज। तो अगर ऐसा कोई चीज हमें किसी लाइन में दिखती है पोएम के, तो उस फिगर ऑफ स्पीच को हम पैराडॉक्स कहते हैं। तो अभी तक हमने पांच पेयर देखे फिगर ऑफ स्पीच के, कौन से, सिमिली, मेटाफर, अलिटरेशन, रिपीटेशन, एक्सक्लेमेशन, इंट्रोगेशन, क्लाइमैक्स, एंटी क्लाइमैक्स, एंटीथेसिस और पैराडॉक्स। अब हम नेक्स्ट पेयर देखते हैं, हाइपरबली एंड यूफेमिज्म। प्रोनंस बराबर से करना है हमें, हाइपरबली एंड यूफेमिज्म। सो हाइपरबली एंड यूफेमिज्म। अब हाइपरबली में क्या होता है, एग्जैगरेशन किया जाता है। ओवरस्टेटमेंट प्रोवाइड किया जाता है, ओवरस्टेटमेंट प्रोवाइड किया जाता है। जैसे कि हम कहते हैं कि बढ़ा चढ़ा के बोलना, नमक मिर्च लगा के बोलना, ज्यादा का बोलना, तो ऐसी चीज को हम कहते हैं हाइपरबली, जिसको हम एग्जैगरेशन कहते हैं या फिर ओवरस्टेटमेंट कहते हैं, बढ़ा चढ़ा के बोलना। तो उस फिगर ऑफ स्पीच को कहा जाता है हाइपरबली। यूफेमिज्म में क्या होता है, अनप्लीजेंट थिंग्स आर एक्सप्रेस्ड इन प्लीजेंट मैनर। सो कोई बुरी खबर भी होगी या बुरी चीज होगी, उसको हम थोड़ा सा अच्छा करके बोलेंगे, अनप्लीजेंट थिंग्स आर एक्सप्रेस्ड इन प्लीजेंट मैनर। ऐसे फिगर ऑफ स्पीच हम कहते हैं यूफेमिज्म। एग्जाम्पल देखते हैं, हाइपरबली का एग्जाम्पल देखते हैं, ही रैन फास्टर देन विंड। वो हवा से तेज दौड़ा। अब मुझे आप लोग बताइए, क्या हवा से तेज कोई दौड़ सकता है? नहीं। प्रैक्टिकल लाइफ में या एक्चुअल में हवा से तेज तो कोई नहीं दौड़ सकता, पर ये बड़ा चढ़ा के बोला गया है, एग्जैगरेट किया गया है, ओवरस्टेटमेंट प्रोवाइड किया गया है कि वो हवा से तेज दौड़ा, ही रैन फास्टर देन विंड। सो ऐसा अगर कोई चीज पोएम में कहीं पे प्रेजेंट है, जिसमें एक ओवरस्टेटमेंट है, जिसमें एग्जैगरेशन है, उस फिगर ऑफ स्पीच को हम हाइपरबली कहते हैं। यहां देखते ही हैज फॉलन असलीप फॉर फॉरएवर। वो हमेशा के लिए सो गया। अब हमने डायरेक्टली ये नहीं कहा है कि ही पास्ड अवे या फिर उसकी डेथ हो गई,
हमने क्या किया है, डेथ जैसी बुरी चीज को, डेथ जैसी अनप्लीजेंट चीज को हमने थोड़ा प्लीजेंट मैनर में बोलने की कोशिश की है कि वो हमेशा के लिए सो गया। तो अगर ऐसा कुछ अनप्लीजेंट प्लीजेंट वे में एक्सप्रेस किया जाता है पोएम में, तो उस फिगर ऑफ स्पीच को हम यूफेमिज्म कहते हैं। तो ये पेयर हो गया हाइपरबली एंड यूफेमिज्म। नेक्स्ट पेयर देखते हैं, पर्सोनिफिकेशन एंड इन्वर्जन। अब इनके नाम ही सजेस्ट करते हैं कि इन फिगर ऑफ स्पीच में क्या होगा। पर्सोनिफिकेशन में किसी भी डेड चीज को या फिर जो लिविंग नहीं है उस चीज को हम ह्यूमन बीइंग के साथ कंपेयर करेंगे। जैसे कि एग्जांपल देखते हैं, विंड हैज विंग्स टू फ्लाई। अब यहां पे विंड ये तो कोई लिविंग चीज नहीं है, ये नॉन लिविंग चीज है। हैज विंग्स टू फ्लाई, और हमने कहा गया है कि विंड को पंख होते हैं उड़ने के लिए। अब पंख तो किसी नॉन लिविंग चीज को हो नहीं सकते, वो तो लिविंग चीज को ही हो सकते हैं, जैसे कि बर्ड्स है। तो हमने कहा है कि विंड हैज विंग्स टू फ्लाई, सो नॉन लिविंग चीज को लिविंग चीज के साथ कंपेयर किया गया है, या फिर लिविंग चीज की कोई क्वांटिटी नॉन लिविंग थिंग को दी गई है। और एक एग्जांपल देखते हैं, डार्कनेस लेज द हाउस टू स्लीप। अब यहां पे भी इस एग्जांपल में भी डार्कनेस लेज द हाउस टू स्लीप, घर सोने वाला है ऐसा बोला गया है। अब घर तो नॉन लिविंग चीज है, वो तो सोता नहीं है, सोते कौन है, लिविंग चीज, एनिमल्स या फिर ह्यूमन बींग्स या फिर बर्ड्स। तो नॉन लिविंग थिंग को लिविंग थिंग की कोई क्वालिटी दी गई है, पर्सोनिफाई किया गया है, उसे लिविंग थिंग के साथ कंपेयर किया गया है, ऐसी फिगर ऑफ स्पीच को हम पर्सोनिफिकेशन कहेंगे। इन्वर्जन में क्या होता है, इन्वर्जन में स्टेटमेंट को इन्वर्टेड किया होता है। मतलब जिस तरीके से या फिर जिस सीक्वेंस में स्टेटमेंट होना चाहिए एक्चुअल में वैसा होता नहीं है, उसे थोड़ा उलट पुलट किया जाता है पोएटिक इफेक्ट देने के लिए। तो ऐसी फिगर ऑफ स्पीच को हम इन्वर्जन कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल देखते हैं, सो अप ही रोज। अब ये जो एग्जांपल है सो अप ही रोज, इसे एक्चुअल में कैसा होना चाहिए था, सो ही रोज अप। उसे एक्चुअल में ऐसा होना चाहिए था सो ही रोज अप, पर हमने पोएटिक इफेक्ट देने के लिए उसे थोड़ा उलट पुलट कर दिया, सो अप ही रोज। तो अगर ऐसा कहीं पोएम में ऐसा दिखता है कि स्टेटमेंट को थोड़ा सा उलट पुलट कर दिया है, तो ऐसी फिगर ऑफ स्पीच को हम इन्वर्जन कहेंगे। तो अभी तक हमने 7 पेयर्स देखे फिगर ऑफ स्पीच के, अब हम एक और लास्ट बेसिक सी फिगर ऑफ स्पीच देखेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसे हम ओनोमैटोपिया कहते हैं। स्पेलिंग और प्रोनाउंसिएशन की तरफ ध्यान दीजिए, स्पेलिंग इसका है ONOMATOPOEIA, ओनोमैटोपिया, हम इसे पढ़ते हैं ओनोमैटोपिया, ओनोमैटोपिया करके इसे प्रोनाउंस करना है, ओनोमैटोपोइया वगैरह ऐसा कुछ बोलना नहीं है, इसका प्रोनाउंसिएशन ओनोमैटोपिया है। स्पेलिंग में ओ आखिरी वाला साइलेंट है। ये फिगर ऑफ स्पीच बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही कॉमनली यूज होता है पोएम्स में। अब ये फिगर ऑफ स्पीच कहता क्या है, अगर पोएम में किसी भी स्टेटमेंट में एक आधे वर्ड से किसी चीज का साउंड एक्सप्रेस हो रहा है, तो उस फिगर ऑफ स्पीच को हम ओनोमैटोपिया कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, द डॉग बार्क्स, द ग्लास क्रैक्ड, तो यहां पे बार्क्स और क्रैक्ड ये जो वर्ड्स है ये साउंड एक्सप्रेस कर रहे हैं। बार्क्स ये डॉग के भूखने का साउंड एक्सप्रेस कर रहा है, क्रैक ये ग्लास के टूटने का साउंड एक्सप्रेस कर रहा है, या फिर द बर्ड्स आर चर्पिंग, बर्ड्स चुचू कर रहे हैं तो उसका चर्पिंग ऐसे एक्सप्रेस किया गया है, या फिर द कुकू कूज, कुकू कू कर रही है उसका एक्सप्रेस किया गया है।
तो ऐसे सारे जो भी स्टेटमेंट्स है जिसमें किसी वर्ड से किसी चीज़ का साउंड एक्सप्रेस किया गया है, उस फिगर ऑफ स्पीच को हम ओनोमैटोपिया कहते हैं। तो आज के इस वीडियो में हमने बेसिकली ये देखा कि फिगर ऑफ स्पीच, ये फिर भी ग्रामर का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट नहीं है, फिर भी इंग्लिश लैंग्वेज का बहुत ही इम्पॉर्टेंट सा एक टॉपिक है, पार्ट है। पोएम्स को समझने में हमें फिगर ऑफ स्पीच की बहुत ज़्यादा हेल्प होती है। हमने कुछ बेसिक 15 टाइप के फिगर ऑफ स्पीच देखे जो हमें हमारी लेवल ऑफ स्टडी के लिए सफिशियंट है। इससे भी आगे के फिगर ऑफ स्पीच है, जैसे कि ट्रांसपर्ट, एपिथेट, पन, आयरनी एक्सेट्रा, बट वो हमें अभी इस स्टेज में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम इंग्लिश लैंग्वेज में स्पेशलाइजेशन करना चाहते हैं या लिटरेचर पढ़ना चाहते हैं या फिर नॉवल लिखना चाहते हैं, राइटर बनना चाहते हैं, तो हमें उन फिगर ऑफ स्पीच को पढ़ना भी बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो हमने 15 जो बेसिक टाइप ऑफ फिगर ऑफ स्पीच देखे आज, उनको मैं क्विक रिवाइज करती हूँ। सिमिली में हमने देखा कि इनडायरेक्ट कंपैरिजन होता है, तीन वर्ड्स इंपॉर्टेंट है, सो लाइक एज। मेटाफर, मेटाफर में भी कंपैरिजन होता है पर डायरेक्ट कंपैरिजन होता है। ये जो तीन वर्ड्स है सो लाइक एंड एज, ये यूज नहीं होंगे। दूसरा पेयर हमने देखा अलिट्रेशन एंड रिपीटेशन का। अलिट्रेशन में कोई भी अल्फाबेट या अल्फाबेट का साउंड रिपीट होता है, रिपीटेशन में पूरा वर्ड रिपीट होता है। तीसरा पेयर हमने देखा एक्सक्लेमेशन इंट्रोगेशन का। एक्सक्लेमेशन में एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस प्रेजेंट होता है, इंट्रोगेशन में क्वेश्चन प्रेजेंट होता है। चौथा पेयर हमने देखा क्लाइमैक्स एंड एंटी क्लाइमैक्स का। क्लाइमैक्स में थिंग्स आर अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ इम्पॉर्टेंस, एंटी क्लाइमैक्स में थिंग्स आर अरेंज्ड इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ इम्पॉर्टेंस। पांचवा पेयर हमने देखा एंटीथेसिस एंड पैराडॉक्स का। एंटीथेसिस में एक ही लाइन में दो अपोजिट वर्ड्स होंगे, पैराडॉक्स में एक ही लाइन में दो अपोजिट आइडियाज होंगे। पांचवा पेयर हमने देखा हाइपरबली एंड यूफेमिज्म के। हाइपरबली में बड़ा चढ़ा के बोला जाएगा, एग्जैगरेशन किया जाएगा, यूफेमिज्म में बुरी चीजों को भी थोड़ा प्लीजेंट वे में बोला जाएगा। आखिरी तीन हमने देखी पर्सोनिफिकेशन, इन्वर्जन और ऑनोमेटोपिया। पर्सोनिफिकेशन में डेड चीजों को या फिर नॉन लिविंग चीजों को लिविंग थिंग्स के साथ कंपेयर किया जाएगा। इन्वर्जन में सेंटेंस को उलट पुलट करके लिखा जाएगा, और ऑनोमेटोपिया में किसी भी चीज का साउंड एक्सप्रेस किया जाएगा। सो ये कंप्लीट करता है हमारा आज का टॉपिक फिगर्स ऑफ स्पीच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू।